हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, हमारा सेशन चल रहा है हम लोग का ट्रिक समझिए, या फिर आप लोग एक अच्छे अच्छे टॉपिक का कलेक्शन समझिए। इसे अगर आप लोग के पास कलेक्ट हो जाता है तो बहुत सारे एग्जाम्स में, जहाँ से भी मैथ आते हैं, मैथ जहाँ भी आते हैं, जिस एग्जाम में भी आते हैं, उस एग्जाम के लिए आप लोग का मैथ प्रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले हम लोग ये सीरीज ख़त्म करते हैं। उधर DLED का क्लास चल रहा है मैथ का, उसमें भी जाके आप लोग इसमें प्रैक्टिस चल रहा है, देख सकते हैं। आज उसी से कुछ रिलेटेड नंबर सिस्टम से कर लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आ जाता है, बस उसी से रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक लिए हुए हैं। जैसे कि पहले समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब अगर दोस्त बोल दिया जाए कि अगर यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है, 120 को अगर ब्रेक करें हम लोग तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। देखिए, 5 × 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120, 120 × 1 = 120। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। किसका फैक्टोरियल 120 है? 5 का। तो 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, तो फैक्टोरियल हमेशा ऐसे लिखा जाता है। देखिए ऐसे, या फिर ऐसे भी बनता है, लेकिन अब यह वाला लगाइए चाहे यह वाला लगाइए, इसे ही फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का साइंस समझ में आ गया। अगर बोला जाए 6 का फैक्टोरियल बताइए, तो बता देंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अभी तक तो 120 आया था 5 तक का, 120 में आप लोग गुणा कर लेंगे 6 का, तो 720। मतलब कि 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 120, सॉरी 720, 720। अब बोला जाए 720 का फैक्टर, तो बता देंगे खटाक से ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कलेक्शन लिए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में आता है। दोस्त, आप लोग प्रीवियस ईयर हर एग्जाम का पेपर उठाकर देखिएगा, चाहे जो एग्जाम्स हो, सब में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बाद आप लोग अगर ये पढ़ लेते हैं, मैं वादा करता हूँ आप लोग कोई क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए, 9 छात्रों को एक वृत्त में बैठाने के तरीकों को बताएं। ऐसा बस आ जाता है, 9 छात्रों को एक वृत्त में बैठाने के तरीकों को बताइए, 9 छात्रों को एक वृत्त में। ठीक है दोस्त, जैसे कि अगर एक वृत्त ऐसे बना दें हम लोग, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह तीर बैठेंगे। मान लीजिए कोई सर्कल है, वृत्त सर्कल वाला टेबल है, कोई कंटीन में गया वहाँ पे टेबल है सर्कल वाला, तो उसमें 9 मित्र हैं या फिर 9 छात्र हैं, बैठ गए लंच वगैरह करने बैठ गए। अब उसमें 9 छात्रों का 1 वृत्त में बैठाने का क्वेश्चन क्या है, फिर समझ लीजिए, 9 छात्रों को 1 वृत्त में बैठाने की तरीकों को बताएं। बस तरीकों को बैठाना है, बताना है बस। आप लोग क्या करेंगे, तुरंत 9 - 1 का फैक्टोरियल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई बड़े से करेंगे, बड़े से करेंगे तो छोटा वाला हमेशा अपने आप ही जी हो जाएगा। दोस्त देखिए कैसे करते हैं, 8 × 7 = 56, 56 लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसका हम लोग किए थे कितना आया था, 720 आया था, तो 6 × 5 यहाँ पे लिख देंगे, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 3 = 240, कितना है, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 20, 20 × 5 = 120। ठीक है, 120 × 6 = 12, 6 = 72 हो जाता है ना, तो 720 आया था। अब यहाँ पे 8 × 7 = 56 आ गया, इस 72 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ लेंगे 50 + 6 में। ठीक है दोस्त, 50 + 6 में तोड़ लिए तो आ गया और यहाँ पे हो गया 72 × 10 हो गया। मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए दोस्त। अब 72 का 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 0, कैरी 1, 5 × 7 = 35, 36, 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्त, इधर 6 में 72 का कर लेंगे, 6 × 12 = 2, कैरी 1, 6 × 12 ऊपर कर लेते हैं। देखिए पहले 50 का जब 72 में किए तो कितना आ गया, 5 × 2 = 0, कैरी 1, 5 × 7 = 35, 36, 1 0 यहाँ पर चिपका देंगे, 6 × 12 = 2, कैरी 6 × 12 = 2, यहाँ पे 1 0 है ना, 1 0 पहले लगा देंगे, 6 × 12 = 2, कैरी 1, 6 × 7 = 42, 43। ठीक है दोस्त, गलत हो रहा है कहीं, देखिए ध्यान से, 6 × 12 = 2, कैरी 1, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 6 × 12 = 2, कैरी 1, 6 × 7 = 42, 1 = 43, ये आ गया दोस्त।
और यहाँ पे 360 आया, इसको रहने दीजिए। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। पहले 50 का किया इसमें, यह आ गया, फिर 432, 6 का किया 432 आ गया। अब 432 को इसमें ऐड कर लेंगे, तो 2, 3, 6, 4, 10 को 0 कैरी, 1, 3, 1, 4। अब एक 0 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4320। ऐसे तरीके हैं जिसकी छात्रों को बैठाया जा सकता है दोस्त, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे, कर लिए होंगे, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यदि सभी लड़कियों को एक साथ बैठाया जाए तो, सभी लड़कियों को एक साथ बैठाया जाए तो 5 लड़के 3 लड़कियों को कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है। 5 लड़के और 3 लड़कियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जब सभी लड़कियों को एक साथ बैठाया जाए। सभी लड़कियां जो हैं उसको एक साथ बैठेंगी, जब एक साथ बैठेंगी तो 3 का फैक्टोरियल गुणे, अब जब 3 का फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे 5 इसको अलग अलग बैठाया जा सकता है, एक बॉय एक गर्ल। देखिए पहले गर्ल को यहाँ बैठा दीजिए एक साथ, एक गर्ल एक, 3 गर्ल हो गई, फिर इसके बाद बॉयज़ एक यहाँ पे आ जाए, पर चाहे 5वां यहाँ पे आ जाए, चाहे 4था, चाहे मतलब 5, 1 से लेकर 5 तक पहले आ सकता है, फिर उसके बाद 4वां, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से लेकर लास्ट में 1 तक, फिर उसके बाद 3 से लेकर 1 तक, फिर 2 से लेकर 1 तक कोई भी बैठ सकता है। इस तरह बहुत सारी संख्याएं बैठ सकती हैं दोस्त, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को एक साथ बैठा लिए, यहाँ फिक्स कर लिए 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे 5 तरीका और यहाँ पे 1 तरीका, 5, 1, 6, चाहे 3 को आगे बैठाएं, चाहे पीछे बैठाएं, चाहे बीच में बैठाएं, चाहे जहाँ बैठाएं, इन दोनों के 5ों के बीच में बैठाएं, चाहे 4 और 2 के बीच में बैठाएं, चाहे 3 और 2 के बीच में बैठाएं, चाहे 1 और 2 के बीच में बैठाएं, मतलब कहीं भी इन तीनों को फिक्स एक साथ बैठाना है। तो यह फिक्स थोड़े है इसको कहाँ बैठाना है, बस यह फिक्स है इन तीनों को एक साथ बैठाना है। तो 3 का फैक्टोरियल और 5 + 1 ये पूरा 1 में काउंट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तरीके बनेंगे और 1 तरीके यहाँ पे, यानी कि 5, 1, 6 - 1, 6 - 1 का फैक्टोरियल दोस्त इस तरह कर देंगे। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। 5, 1, 6 - 1, अभी देखे थे ऊपर पिछले वाले में 9 स्टूडेंट को बैठाना था, यहाँ पर समझ लीजिए 6 स्टूडेंट को बैठाना है, तो 6 - 1 कर दिए, 5, 1, 6, 6 - 1 कर दिए, और 3 को एक साथ बैठाना था, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है दोस्त। अब 6 - 1 मतलब 5 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल का अभी हम लोग निकाले थे स्टार्टिंग में ही, कितना आया था 120 गुणे 3 × 6, 12 × 6, 72 मतलब 720 तरीका होगा ऐसा, ठीक है दोस्त। देखिए क्वेश्चन अभी बढ़ता चला जाएगा, अब आप लोग देखते रहिएगा थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करा लेते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं जो नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। देखिएगा आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए ध्यान से, उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 5 विभिन्न मोती को, मोती के एक हार को बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 मोती के हार हैं, देखिए इसका बस फार्मूला है, जब यह कभी पूछ देता है 5 मोती के हार हैं, अब 5ों मोती वाले हार जो हैं उसको कैसे गुथा जाए, तो उसके लिए बस सिंपल सा फार्मूला है, मोती के लिए अलग है और बैठाने का तरीका अलग है, लड़कों का तरीका अलग है, ठीक है, यस अलग है। लेकिन मोती का अगर बात किया जाता है या फिर कोई ऐसे संख्या जो कि निर्जीव हो उनकी बात किया जाता है, तो उनके लिए फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट n - 1 का फैक्टोरियल / 2, ठीक है दोस्त। अगर सजीव का बात किया जाता है तो सिंपल सा n - 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, n - 1 / 2, n - 1 का फैक्टोरियल / 2 निर्जीव के लिए, और n - 1 / 1 बोल लीजिए या फिर n - 1 का फैक्टोरियल बोल लीजिए, ठीक है दोस्त इस तरह। तो n - 1, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 5 विभिन्न मोती को एक हार बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 विभिन्न मोती को एक हार बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। पहली मोती पहले आ रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, नहीं पता है, बस n = 5 रख देंगे, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल / 2, तो 5 - 1 मतलब 4 का फैक्टोरियल / 2, तो 4 × 3 × 2 × 1/2 काट देंगे, 4×3 = 12, तो ऐसे 12 तरीके हमको मिलेंगे दोस्त, इसको आप लोग याद रखिएगा, निर्जीव सजीव इसको ध्यान रखेंगे तो आंसर अपने आप सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है दोस्त। ध्यान से देखिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो तो बैठने का तरीका था, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको देखिए ध्यान से देखिए, एक निश्चित बैठक में 28 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिले हैं और कितने हाथ मिले हैं, सिर्फ ये बता देना है कितने हाथ मिले हैं। अगर एक निश्चित बैठक में 28 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं
28 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। इसको सॉल्व करने का देखिए चुटकी का तरीका, बस वही फार्मूला एन एन माइनस वन अपान दो। इसमें यह वाला याद रखेंगे, जब हाथ मिलते हैं, जब एक लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक पार्टी में जुटा हुआ है, पार्टी कोई सभा बैठी हुई है, सभा बनी हुई है, उसमें एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाए, या फिर कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है उसमें एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाए, ठीक है दोस्त, और हाथ मिलाया जाए, या फिर जो वेटर होते हैं वो पानी शेयर करें एक दूसरे को, ठीक है दोस्त, मतलब एक दूसरे को पानी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए यह वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, एन एन माइनस वन अपॉन दो। जब भी पूछा जाता है 28 लोग हैं तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 28 रख देंगे। यहाँ पे देखिएगा एन एन माइनस वन अपॉन दो, ठीक है, इसको यहाँ पे 28 रख देंगे, 28 अपान में 28 माइनस वन अपान दो, इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। यहाँ पे 28 माइनस वन कितना आ गया, 27, 27 गुणे 14, इसको सॉल्व कर देंगे, 27 गुणे 10 प्लस 4, तो यहाँ पे हो गया 270 प्लस 4 दूनी 8 80, 4 7 चौक 28, 80 और 28 108, ठीक है दोस्त, इसको ऐड कर देंगे, 270 370 378 कितना हो गया दोस्त, 378 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 28 लोग का हाथ मिला था दोस्त, यहाँ पे हाथ की बात हुई थी, ध्यान दीजिएगा हाथ मिलाने की बात हुई थी। अब देखिए कितने हाथ मिलेगा फार्मूला, एन एन माइनस टू बटे दो, कितने हाथ मिले, लेकिन अगर पूछ देता है कितने लोग थे किसी बैठक में, उसी बैठक में कितने लोग थे, तो उसके लिए फार्मूला देखिए, यहाँ पे वन था दोस्त ना, यहाँ पे वन था, कितने हाथ मिलेंगे तो वन रहेगा, इसका ध्यान दीजिएगा, कितने हाथ मिले, हाथ मिलने का मतलब मिलने का हाथ का फार्मूला यह था, अब कितने लोग थे उस बैठक में, अगर यह पूछ ले तो बस वहाँ पे दो कर देना है, एन एन माइनस दो बटे दो, सिंपल सा फार्मूला यही है दोस्त। अब इस पे क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर वही 28 लोग हैं तो कितने हाथ, कितने लोग थे, कितने हाथ मिले, अभी निकाल दिए, कितने लोग थे वह देख लीजिए, कितने लोग कितने हाथ मिले थे, 378 आया था ना सर, अब कितने लोग थे उसको देख लीजिए, यहाँ पर 28 रख देते हैं, 28 माइनस दो बटे दो, यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 28 माइनस दो 26, तो 14 गुणे 26, ठीक है दोस्त, 14 गुणे 26 का मतलब 10 प्लस 4 और 26 कर देंगे, अब यहाँ पे 260 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दुनिया 8, 4 6 24, 104, ठीक है दोस्त, 104 आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो 364, 364 लोग थे। देखिए किसी पार्टी में 364 लोग हैं, हाथ मिलने की संख्या कितनी है, 378, तो ये किसका खेल है, फार्मूले का फार्मूला आप लोग याद करिए, चुटकी में सॉल्व करिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा वृत्तांत पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बच्चे अटक जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे क्वेश्चन के श्रेणी में ही डालिए क्योंकि, ठीक है, ठीक है दोस्त, देख लेते हैं क्वेश्चन हम, हाँ चलिए। अब देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 9 तक के साथ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, अगर इतनी संख्याएं हैं 9 तक हैं तो 3 अंकों की संख्याएं बनने की प्रक्रिया बताइए, 3 अंकों की संख्याएं कितनी बन सकती हैं, लेकिन दो ऑप्शन इसमें दो अलग अलग है, देखिए जब इन नंबरों का पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति ना हो, दूसरा दोनों में अलग अलग आंसर आने वाला है, पुनरावृत्ति ना हो, ध्यान से देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए पुनरावृत्ति हो, अब हमें पता है बस 3 अंकों का बनाना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 100, तो बस अब हमको एक से लेकर, अब देखिए पहले नंबर पर अगर 0 रख देंगे हम लोग तो क्या 3 अंकों की संख्या बनेगी, आप ही लोग बताइए 3 अंकों की बनेगी, देखिए अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो 2 ही अंक का बनेगा ना, इस वजह से 0 तो पहले अंक पे नहीं आएगा, 0 पहले नंबर पे नहीं आने वाला है, पहले क्वेश्चन की पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, 0 पहले नंबर पे नहीं आने वाला है दोस्त, जब 0 पहले नंबर पे नहीं आएगा, 3 अंक की हमको संख्या बनानी है तो पहला पुनरावृत्ति जब हो उसके लिए, देखिए जब 3 अंकों की संख्या बनानी है, 0 पहले नंबर पर नहीं आएगा तो पहले नंबर पर कितनी संख्याएं आएंगी, 9 संख्याएं आएंगी, 1 से लेकर 9 तक है तो 9 संख्याएं हुए,
तो 9 लिख देंगे गुड़े। ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है, 1 से लेकर 9 तक, 9 हो गया गुड़े। अब यहाँ पे देखेंगे, अब 0 तो आएगा ना दूसरे नंबर पे, 0 आएगा, 909, 910, 920 कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग कुछ भी आ सकता है यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक में। यहाँ पे 9 संख्याएं आ गई 0 को छोड़ के, बचा कितना, फिर 9 संख्याएं बची, 1 तो आ गया यहाँ पे, फिर 9 संख्याएं बची, एक पूरा 9 संख्याएं बची ना दोस्त। लेकिन यहाँ पे बोला है पुनरावृत्ति अगर हो तब, तो यहाँ पे 10 संख्याएं आ सकती हैं, 10 के 10 संख्याएं यहाँ पे तो आ सकती हैं ना दोस्त, बोलिए आप लोग। जब 10 संख्याएं आ सकती हैं तो 10 गुणे 10 यहाँ पे भी आ सकती हैं 10, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे भी 0 से लेकर 9 तक, लेकिन यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, तो 9 गुणे 10 गुणे 10 तीन अंक की संख्याएं बन गई। बस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 10 100, यानी कि 900 ऐसे तरीके हैं, ठीक है दोस्त। दूसरा देख लेते हैं, जब पुनरावृत्ति ना हो, जब पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए देखिए, जब पुनरावृत्ति नहीं होगा तो उसके लिए कैसे हो जाएगा, तो वही चीज़ है, तीन ऐसे लाइन खींच लेंगे क्योंकि तीन अंक का बनाना है हमको। यहाँ पे कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 9, 0 नहीं आएगा, 1 से लेकर 9 तक तो आएंगे, तो 9 वही चीज़ गुड़े। अब देखिए, एक संख्या यहाँ पे आ चुका है तो बची कितनी संख्याएं, 9। पुनरावृत्ति जब हो रहा था तो वहाँ पे 10 संख्याएं पूरी थी, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, अगर यहाँ पे 0 ना होता तो 9 गुणे 9 गुणे 9 तीनों हो जाता 9 गुणे 9 9, ठीक है दोस्त। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है इसमें, तो पहले में 0 तो नहीं आने वाला, तभी तो तीन अंकी की संख्या नहीं बनेगी। अगर 0 आ जाएगा तीन अंक कहाँ बनेंगी, जब 0 नहीं आ रहा है तो गुणे 9। और यहाँ पे कितनी संख्या बची, फिर जब एक संख्या यहाँ पे आ गया तो बचा कितना, अभी भी 9 बचा है, क्योंकि 0 भी तो है, तो 9 गुणे। अब जब 9 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 मतलब एक संख्या यहाँ पे आ गया, एक कम हो गया, अब यहाँ पे भी 9, 10 था, एक कम हो गया, अब यहाँ पे एक कम हो गया, दो संख्याएं आ गई, बची कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं, तो 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 81 गुणे 8, 8 एक कम 8 8 8 64, 648 तरीके बनेंगे दोस्त। इस तरीके दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं आपस में, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए बस, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। देखिए पहले इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए, एक तो रहा इस टाइप का ना, अब देखिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, 0 1 2 3 इतनी ही संख्याओं से 200 से 1200 के बीच में, 200 से 1200 के बीच में कितनी संख्याएं निर्मित हो सकती हैं, कितनी संख्याएं निर्मित हो सकती हैं जब पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है दोस्त। 1 0 1 2 3 से इसी तीनों नंबर से 200 से 1200 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान से देखिएगा, पहले तो तीन अंक की संख्याएं बनेंगी प्लस, फिर बाद में 4 अंक की कुछ संख्याएं बनेंगी, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले तो 3 अंक की संख्याएं बनेंगी, फिर बाद में 4 अंकों की संख्याएं बनेंगी। अब देखिए, यहां पे तो केवल एक ही नंबर रखा जा सकता है, एक तो नहीं रखा जा सकता, ना ही 0 रखा जा सकता है यहां पे। देखिए 200 से 1200 के बीच में 200 300 400 500 600 900 999 तक तो तीन संख्याएं बनेंगी, 999 के बाद 1000 से ऊपर 1200 तक यहाँ पे तीन अंक की संख्या बनेगी ना, दो संख्या बनेगी, दो प्रारूप बनेगा हमारा। तो 1 से लेकर यहाँ पे 1 2 3 तीन नंबर की 999 तक 200 से लेकर, और यहाँ पे 1000 से लेकर 1200 तक, मतलब कि दो तरीके संख्या बनेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने तरीके हैं कुल, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे 1 2 3 अब हमें एक मतलब 200 से स्टार्ट करना है, तो 0 और 1 तो नहीं आएगा यहाँ पे, केवल क्या आएगा, 2 आएगा गुड़े। अब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो 2 बचा, 2 के बाद कितनी संख्या आ सकती है, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, आ सकता है ना, तो कितनी हो जाएगी, 3 बचा तो 3 कर दिए गुड़े। अब जब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, एक संख्या यहाँ पे आ गया, एक संख्या यहाँ पे आ गया, तो बचा 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर बचा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, पहले 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 200 से आगे के है, 200 से कम का नहीं है, तो यहाँ पे बचा 2, जब आ गया यहाँ पे तो 1 2 3 तीन संख्याएं बचे तो 3 आ गया। अब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तो 1 फिर कम हो गया, तो फिर बाद में 2 ही संख्या बचे, 0 और 1 या फिर 3 कोई संख्या बचेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 3 2। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे केवल 1 आएगा,
क्यों एक आएगा आप लोग जानते हैं, क्योंकि एक दो यही तो है, या फिर 1000, हमें 2000 के बीच में थोड़े निकालना है, हमको 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर तो केवल यहाँ एक ही तो आएगा, वन, केवल वन, वन आएगा तो वन लिख दिए इनटू। अब वन तो आ चुका है दोस्त, वन का स्थान फिक्स हो गया, तो बचा 2, 3, 0। अब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा तो कितनी संख्याएं बचे, 2 बचे, 3 बचे, 0 बचे। अब बताइए अगर यहाँ पे 3 फिक्स कर दें, अगर यहाँ पे 3 आ जाता है तो 1300 हो जाएगा ना, तो 1300 नहीं बनाना है हमको, 1200 ही बनाना है। तो यहाँ पे भी केवल 2 ही आएगा, केवल 2, 2 को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे 2 को फिक्स करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे यानी कि एक ही संख्या है जो यहाँ पे आ सकता है, केवल 2 आ सकता है, एक ही संख्या है जो यहाँ पे आ सकता है केवल 2, तभी तो 1200 का बनेगा। ठीक है दोस्त, फिर इनटू। अब देखिए एक संख्या यहाँ पे आ गया, एक संख्या यहाँ पे आ गया, बचा 2 संख्याएं, तो 2 संख्या यहाँ पे आए, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक बचा, अब एक जब बचा तो एक यहाँ पे आ गया, कोई एक संख्या वहाँ पे आ गई लास्ट में, बस अब इसको इनटू करके ऐड कर दीजिए, 3 × 6 × 12 प्लस 1 × 1 = 2 × 2 = 2 यानी कि 2 × 12 = 14 तरीके ऐसे हैं दोस्त, बस यह क्वेश्चन यही था। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्त, देखिए यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो 0 से लेकर 9 के साथ, 0 से लेकर 9 तक के साथ 400 से 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में, मतलब 0, 1, 2, 3 इसी तरह 9 तक की संख्याओं से बनने वाली 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों के साथ 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब देखिए 400 से बड़ा बनाना है, 400 से लेकर मतलब कि पहले तो 3 नंबर बनेंगे, 4 मतलब कि 999 तक तो 3 संख्याएं होंगी, 999 के ऊपर केवल एक ही संख्या ऐसा है जो कि बन रहा है, एक ही हजार तो है, ध्यान से देखिएगा बहुत मजा आने वाला है दोस्त। अब देखिए 1000 के बीच सिर्फ बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 संख्याओं का ले लेंगे जोड़ा, हो गया, फिर उसके बाद प्लस, प्लस कर लेंगे दोस्त, प्लस करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 4 अंकों का जोड़ा, 4 अंकों के ले लेंगे, 4 अंकों का ले लिए दोस्त। ठीक है ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा 4 से स्टार्ट हो रहा है, जब 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छः संख्याएं हो गई, कितनी दोस्त, 6 संख्याएं, 4 से लेकर 9 तक 6 संख्याएं हैं, क्योंकि 400 से स्टार्ट करना है तो 400 मतलब 4 से लेकर, इसमें 4 से लेकर 9 तक 6 संख्याएं, तो 6 हो गए यहाँ पे। अब पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 6 × 6 × यहाँ पे क्या आएगा, जब 6 एक फिक्स हो गया तो बचा 1 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं हैं, तो 6 यहाँ पे फिक्स हो गया, 6 मतलब कि 6 संख्याएं यहाँ पे आ चुकी हैं, 6 में से 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक हो सकती हैं, बचा लास्ट में 9 संख्याएं, 1 संख्या यहाँ पे आ गई, बचा 9 संख्याएं, तो 9, अब बची 8 संख्या, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 8 संख्याएं हो गई। अब 6 × 9 × 8, अब बताइए यहाँ पे कोई संख्या बनेगा क्या, कोई संख्या बन रहा है बताइए, 1000 तक की बात किया है तो केवल एक संख्या बनेगी, बताइए एक संख्या बनेगा कि नहीं, केवल एक संख्या बनेगा दोस्त, ठीक है केवल एक संख्या बनेगा, एक संख्या बनेगा केवल 1000 वाला। अब यहाँ पे 1000, अब यहाँ पे एक के बाद अगर कोई संख्या रखते हैं, 1, 2 अगर एक के बाद 0, 0, 0 तो सब जगह 0 थोड़े आ सकता है, मतलब 1000 तक की बात की गई है, 1000 तक मतलब 1000 के अंदर अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं बनेगी दोस्त, समझाया, ठीक है। अब 1000 के बाद अगर कोई नंबर लिखेंगे, एक के बाद अगर एक को यहाँ फिक्स कर देते हैं, एक के बाद कोई नंबर लिखेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ कोई संख्या बन रहा है, 1000 तक की बात किया गया। अब 0000 थोड़े हर बार 0 थोड़े लगा देंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, जब पुनरावृत्ति होता तब एक संख्या यहाँ पे आ जाता, जब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तब एक संख्या यहाँ पे नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। एक के बाद मान लीजिए 4 अंक ले लिए हैं हम, अगर यहाँ पे एक रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, अब फिर 0 नहीं आएगा, पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है कि फिर से 0 न आए, ठीक है दोस्त। अगर फिर से यहाँ पे अगर देखिए 2, 3 या फिर कोई नंबर आएगा तो 1000 से ज़्यादा हुआ कि नहीं, ये 1000 से ज़्यादा नहीं जाना है, जब पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे 4 अंक की संख्या कोई नहीं बनने वाली है, ठीक है दोस्त, बस यही आपकी फाइनल संख्या है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 6 × 9 = 54 × 8, 8 × 32 = 2, 3 × 8 = 40, 43 = 432 हो जाएगा दोस्त,
टाइम बताओ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकर और समझाते हैं आप लोग को, ध्यान से पूरे इम्तिनान से अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है दोस्त। बस लास्ट क्वेश्चन समझाते हैं, इसके बाद किसी नेक्स्ट सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। ठीक है दोस्त, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः के छः इतने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः से बनने वाली तीन अंकों की कितनी सम संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, सम संख्याएं बन सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति अलाउ ना हो। सम संख्या की बात कर रहा है इस बार, सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, जिनका पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन अलाउ ना हो, पुनरावृत्ति अलाउ ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, लिख लीजिए ना हो। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिए, एक से लेकर छह तक के सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो देखिए तीन अंकों की यहां पे लिख लीजिए, सम संख्या कितनी बन सकती है तीन अंकों की, सिर्फ तीन अंकों की बनानी है, तीन अंकों की मतलब कि एक दो तीन। अब देखिए, छह सम है, चार सम है, दो सम है, छह सम है, चार सम है, दो सम है। इस बार पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है दोस्त कि लास्ट में अगर जीरो दो चार छः आठ आता है तो वह सम संख्या होता है, तो बस वही काम। यहाँ पे छः आ सकता है, चार आ सकता है, दो आ सकता है, तीन नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, तो पहले तीन लिख दिए गुड़े, बस अब आगे आ जाते हैं, आगे से अब तीन एक पीछे लिख दिए, क्योंकि एक दो तीन ही संख्या पीछे आ सकती है, तो तीन लिख दिए। अब बचे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, तीनों में से कोई एक आएगा तो बचेगा पाँच नंबर, तो पाँच यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्त, पाँच नंबर बचेगा ना, ठीक है दोस्त, पांच नंबर बचेगा, तो पांच यहाँ पे और बचा चार यहाँ पे, दोनों में से किसी को ऐसे पीछे से भी आप चल सकते हैं, पांच यहाँ भी लिख सकते हैं और चार यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फिर समझ लीजिए, एक से लेकर छह तक के तीन अंकों का सम संख्या का सम संख्या तीन अंकों की सम संख्या कितनी बन रही है बिना पुनरावृत्ति के, वो बताना है हम लोग को, तीन अंकों की एक से लेकर छह तक के बाद, तो छः चार दो सम संख्याएं हैं, वही सिर्फ पीछे आएंगी क्योंकि सम बनाना है। अगर ऑड बनाना होता तो एक तीन पाँच आ जाता दोस्त, तब भी तीन ही यहाँ पे होता, ठीक है, तब भी तीन ही होता, ऑड बनाने का भी क्रम बिना पुनरावृत्ति के, सम बनाने का मतलब कि इवन नंबर बनाने का भी पुनरावृत्ति का क्रम, दोनों का सेम आने वाला है नंबर, ठीक है। जैसे देखिए, तीन संख्या यहाँ पे आ गई, छः चार पाँच, छः चार दो यहाँ पे आ गई, इसी तरह अगर ऑड नंबर होता तो पाँच तीन एक आता, तब भी तो तीन ही अंक का अगर बनाए हम लोग, ऑड नंबर का तीन अंक, तो तीन आ गया यहाँ पे। उसी तरह बचे कितने हैं, जब तीन संख्याओं में से एक संख्या यहाँ पे आ गया, छः पाँच तीन एक में से, ये ऑड के लिए है दोस्त, ऑड के लिए या इवन के लिए, ध्यान दीजिएगा, इवन के लिए तीन छः चार दो में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा पाँच, तो पाँच यहाँ पे, फिर पुनरावृत्ति जब नहीं हो रहा तो एक कम हो गया, फिर चार, मतलब यह हो गया इवन नंबर का, चार गुड़े पाँच, पाँचों को बीस दिए साठ, ऐसी संख्याएँ बनेंगी। इसी तरह ऑड के लिए भी, ऑड के लिए बोला जाए तो पाँच तीन एक में से तीन, तीनों में से कोई एक संख्या यहाँ पे आएगा, तीनों में से कोई एक संख्या यहाँ पे आ गया, बचे कितने पाँच, फिर बचे कितने चार, ठीक है, चार पचे बीस, बीस तेईस साठ, तो आठ पूछे या इवेन पूछे, एक से लेकर छह तक के संख्याओं में कितने आएंगे तो आप बताएंगे साठ, साठ तरीके बनेंगे इस तरह के। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं समझ में आया होगा यार, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्त, आप लोग पढ़िए इसे, बहुत मजा आने वाला है, और आगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, ये तो सिर्फ एक समझ लीजिए डेमो ही था, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो आप लोग इसे शेयर करेंगे, अपने उन दोस्तों को बताएंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनके पास शेयर कीजिए, कम से कम अगर एक लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर एक लोग, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, देखेंगे भी आगे, आज आप नहीं देखेंगे तो कोई दूसरा देखेगा, कोई तीसरा देखेगा, वह सीखेगा दोस्त, आज से ही देखना स्टार्ट करिए वीडियो को, अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारे वीडियो को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, बताइए, बताने से कुछ घटता नहीं है, बताइए उन लोग को, वो लोग भी आकर इस पर जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सारे मैथ के, सारे जीके के, सारे ज्योग्राफी के, साइंस के वन लाइनर स्टार्ट हुए हैं, सब कुछ चलाया जा रहा है, आप लोग आकर सिर्फ देखिए, ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड।